मखाने एंजॉय करेंगे, हर्ष उठने से पहले खा लेते हो, वरना उसको भी थोड़ा देना पड़ेगा। मेरा माथा बड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मम्मी ने की है मस्त खिचड़ी और पापड़, उल्टी खिचड़ी है, तो इस वजह से हमारा फिक्स मेन्यू है चना और रात को खिचड़ी। कितना भी कुछ भी बोलो। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हमारी सुबह हो चुकी है और हर्ष भी कॉलेज जा चुका है, बट वो आजकल एज यूजुअल लेट लतीफ हो गया तो उसको टाइम नहीं मिलता। तो अभी हम लोग ने नाश्ता कर लिया है, अभी जॉब जाना है, मैं भी बहुत घाई घाई में हूँ, तो जाते हैं, वापस आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। या बैक फ्रॉम ऑफिस, अभी हम खाएंगे यम्मी सा हमारा लंच। तो चलो, हो चुके हमारे क्लास और हर्ष सो गया है, तो फिर अभी हम ये मखाने एंजॉय करेंगे। हर्ष उठने से पहले खा लेते हैं, वरना उसको भी थोड़ा देना पड़ेगा। नहीं, वैसे नहीं, मम्मी ने रखा है तो हम खा लेंगे। और ये मखाने का नाम सुनते ही बंदा उठ गया है। मेरा माथा बड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि मम्मी ने की है मस्त ऑयलिंग। मैंने भी कर लिया अपने बालों में, और सुबह से अभी आ रहा हूँ मैं व्लॉग में, तो मेरा स्वागत कर लो गाइस। इधर भी तेल लगा दिया है शायद, मेरा बहुत सर दुख रहा था ना, मैं चंपू लग रही हूँ रे फुल। दिमाग में तेल लगाना जरूरी, दिमाग के स्क्रू हटक जाते ना। चुप रे, मैं सच में चंपू लग रही हूँ। चंपू है तो दिखेगी ना। वैसे क्या हुआ आज दिन भर? अपडेट मजा है, फुल मजा। तो दो लोगों को कुछ नहीं, अभी अपडेट अभी अगले हफ्ते से, यानी मंडे से। कल तो है मेरा छुट्टी, फिर संडे भी है मेरा छुट्टी, फिर मंडे से कॉलेज में चालू करूंगा व्लॉगिंग। अभी थोड़ा थोड़ा मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ, तो मेरे को पता है क्या क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, फिर धीरे धीरे हम अपना कॉलेज लाइफ स्टार्ट करेंगे दिखाना। तो गाइस, दीदी फ्रेम के बाहर चली गई है, बोलती है मैं चंपू दिख रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी व्लॉग में। तो आज सुबह सुबह मैं व्लॉग लेना ही भूल गया एज यूजुअल, क्योंकि मैं उठा था लेट, मेरी 6:26 की ट्रेन थी, मैं उठा 5:50 को, नहाया फटाफट फटाफट फटाफट, फिर गाड़ी लेके गया घूम करके, फिर गाड़ी लेके स्टेशन पर रख के भाग भाग के ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़ने के बाद फिर मैं पहुंचा अपने स्टेशन पे, उधर से मेरे को एक और ट्रेन चेंज करनी पड़ती, तो वो फास्ट वाली लोकल पकड़ी, फिर पहुंचा अपने कॉलेज। कॉलेज में आके कुछ नहीं हुआ आज, कुछ इतना मतलब स्पेशल नहीं था, आज फ्राइडे था, सो तो नहीं जाता फिर भी चलता। लोग क्या करते, फ्राइडे को छुट्टी मारते हैं वरना मंडे को छुट्टी मारते, यानी कि 3 दिन का मिनी वेकेशन मिलता है। तो मैंने भी अगली बार प्लान किया कि मैं भी वही करूंगा। फिर फाइनली अभी मैंने डिसाइड किया कि मंडे से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इग्नोर कर देना। तो फाइनली मंडे से मैंने डिसाइड किया कि कॉलेज में स्टार्ट करूंगा व्लॉगिंग, क्योंकि मैंने बड़े मतलब अपने सीनियर बीनियर से थोड़ा मतलब बना लिया कि कॉलेज में अगर करूंगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उन लोग बोले नहीं नहीं, स्पेसिफिक मेरे को बता के रखा कि इधर नहीं करना है, किधर करना है। तो पूरा जुगाड़ मैंने बैठा लिया है, अभी मंडे से मैं करूंगा व्लॉगिंग। तो कैमरा एंगल ढूंढने का तूने? हाँ, कैमरा सब अभी मतलब जुगाड़ कर लिया, और मंडे को हमारे कॉलेज में है कैमरा, तेरे वजह से कैमरा, कैरम टूर्नामेंट। तो मंडे को हम लोग का है कैरम टूर्नामेंट, और तुम्हारे भाई ने मम्मी की टिप्पणी फॉलो करते हुए कर दिया रजिस्ट्रेशन। हारो या जीतो फर्क नहीं पड़ता है, मंडे को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मंडे को 12 बजे हमारा है कैरम टूर्नामेंट, तो तुम्हारे भाई ने सिंगल्स डबल्स दोनों में पार्टिसिपेट कर लिया। अभी डबल्स में मेरे साथ कौन खेलने वाला है वो आपको मंडे वाले व्लॉग में देखने मिलेगा। तो चलो अभी फिलहाल पढ़ाई करते, क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट है बाकी सबके साथ। तो गाइज वेलकम बैक, अभी बज चुके हैं रात के 11:30 और मम्मी हम लोग को अभी खाना दे रही है। तो आज स्पेशल मेन्यू फ्राइडे का, हमारे घर पे यही बनता है फ्राइडे को रोज, एक सुबह चने की सब्जी और शाम को खिचड़ी, हमारा इसके अलावा मेन्यू नहीं बनता है फ्राइडे को। फ्राइडे मतलब हमारे फिक्स है, घर पे सबको वही पसंद है। तो मम्मी को हम पूछते हैं अभी ऐसा क्यों होता है, फ्राइडे को ऐसा क्यों रहता है कि हमारे घर में वेज ही बनता है और यही मेन्यू बनता है, बताओ। फ्राइडे को हमारा उपवास रहता है ना, और शुक्रवार का वो संतोष माते का व्रत रहता है, इसलिए दोनों बच्चों का जन्म भी फ्राइडे को हुआ है। मम्मी मेरी कंफ्यूज इनसे इनली, मम्मी टेंशन मत लो, बोले मत। तू बता, तू बता। हां, एक्चुअली
मतलब बात ऐसी है कि फ्राइडे मम्मी के लिए मेरे बहुत स्पेशल है क्योंकि हाँ बहुत लकी मम्मी ऐसे मानते हैं हम दोनों का बर्थडे भी मतलब जिस दिन पैदा हुए थे वो डे भी फ्राइडे का ही था और उसके पहले भी मम्मी जब जॉब करती थी तब भी फ्राइडे का फास्ट होता था मम्मी के घर में सब फ्राइडे को मानते हैं तो इस वजह से हमारा फिक्स्ड मेन्यू है चना और रात को खिचड़ी हम कितना भी कुछ भी बोलो वही बनेगा एंड उसमें गो टमेटो वैसे भी टमेटो महंगे हो गए तो वो छोड़ी दो बट कुछ भी खट्टा नहीं खा सकते ना मम्मी सही बात है हम खाते कई बार गए तो बट घर में बिल्कुल नॉट अलाउड चलो अभी खाना खाते चने का इतना क्रेज है गाइस ये देखो ये भी चना फ्राइडे को ही मिलता है चलो अभी खाना खाते हैं खिचड़ी दिखाओ मेरी खिचड़ी ये देखो खिचड़ी और पापड़ झूठनी खिचड़ी ये तो गाइस अभी हम लोग को रात को अभी हम लोग मम्मी की टिप्पणी के लिए रुके फिर लॉग इन करने वाले तो मम्मी को बोला हम लोग ने टिकट टिप्पणी तो मम्मी बोलती रुको मैं पाउडर आंटी के लिए मम्मी पाउडर लगाने गई यार ये अभी रुको दिखा दो आपको आप पिछले शॉट में और ये शॉट में फर्क है कि नहीं बताना मेरे को कमेंट में फिर अभी ये सीधा मम्मी को व्लॉग में पता चलेगा मैंने क्या बोला तभी मेरे को पड़ेगी फिर से मार और मैं तब तक अरे कल कॉलेज भी नहीं है भाग भी नहीं सकता मैं घर से अभी तो तू फंसा ये डालना मत ये कट कर देना ये तो मैं डालूंगी तो चलो कल फिर आपको वही टाइटल देखने मिलेगा हर्ष को बड़ी हर्ष को मार पड़ती है तो मेरे को बहुत मजा आता है चलो तो गाइस आज की टिप्पणी ले देखिए हम आ चुके हैं मम्मी के पास वापस तो मम्मी आज की टिप्पणी क्या है तेरे को क्या बीच में ये क्या है आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बोलो हां कारण माझी टिप्पणी ऐकण्यासाठी पूर्व खूप एक्साइटेड असते तर आज कसं हर्ष कॉलेज मध्ये स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन होती होती नाही आहे मंडेला आज सेमिनार झाला नाही फॉर्म भरला थोडस अभ्यासाबरोबर स्पोर्ट्स मध्ये पण खेळामध्ये पण हुशारी आली पाहिजे किंवा चांगलं पण आजकाल मुलांचं तसं नसतं की नुसतं एक मोबाईल घेऊन नुसतं गेम खेळण्याच्या पाठीमध्ये असतात नाही अभ्यासाबरोबर आपलं गेम पण खेळले पाहिजे पूर्वी आम्ही लहानपणी त्याच बाहेर मस्त खो खो वगैरे कबड्डी वगैरे असे खेळ ऑटोमॅटिक व्यायाम जिमची आवश्यकता आजकाल तसं नाही मुलांना म्हणजे खेळायला सांगितलं की आपला घेतला मोबाईलवर गेम सुरू तर ते नको खेळामध्ये पण प्रगती करा आणि आपलं शरीर चांगलं ठेवा असं मी सर्व मुलांना सांगेल टिप्पणीसाठी पूर्व मला सगळं आवरल्यानंतर मग विचार करून ठेवा की आज काय सांगायचं आपको मैंने जो बोला है इसके पहले वाले शॉर्ट में वो देख लेना अच्छे से चेंजेस होना है तो जाग जाइए देखिए मेरी मम्मी को उत्पन्न होते का कैसे लग रही है एक बार मम्मी ने एक छोटे बच्चे को बोला था कि बाड़ा का इतनी गेम के वो मोबाइल पे जाके फुटबॉल खेलने लगा मम्मी ने बोला था शायद आउटडोर गेम के इसलिए वो फुटबॉल खेल रहा था मोबाइल पे ऐसे बच्चे हैं हम लोग भी छोटे थे तब खेलते थे बट अभी नहीं खेलते अभी हर्ष ने तो जिम लगा दिया मम्मी ने यही बोला जिम लगाते समय भी छूट गया वो भी चार बजे सुनाई थी जिम छूट गया कुछ भी हो तो आजकल मेरी मेरी जिंदगी में इतना जिम चल रहा है ना कि क्या बोलू जिम की जरूरत ही नहीं है बहुत अप डाउन नहीं की बार करता हूँ एक बार अप एक बार डाउन तो चलो टिप्पणी याद रखो और फॉलो करो फॉलो कर रहे और अपने मोबाइल में गेम खेलो सॉरी मोबाइल से बाहर निकल के गेम खेलो चलो आपको लग रहा होगा कि हमारी हाइट कैसे बढ़ी है तो हमारी हाइट बढ़ी नहीं है हम ऊपर बैठे हाइट मैच करने के लिए तो भी मैच नहीं कर पाए कुछ हद तक तो खड़े होना पड़ेगा किसी दिन खड़े होके भी करेंगे तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करो शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो टिल देन बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम स्वीट ड्रीम